फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड करें तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बिहार से हर साल कितने लोग सिविल सेवा में जाते हैं, कितने लोग डॉक्टर इंजीनियर बनने बिहार के बाहर जाते हैं पर लौट कर घर वापस नहीं आते। बिहार की सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ से जो भी टैलेंट चला जाए वो पलट कर बिहार का मुंह नहीं देखना चाहता। पर कुछ लोग हैं जो बिहार को आगे देखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूँ आपके साथ मैत्री। दिल्ली में बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ जिसमें IPS विकास वैभव सहित कई उद्यमियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कमा रहे बिहार के लोगों ने हिस्सा लिया। कोई सिविल सेवा में है तो कोई बिजनेसमैन है। 25 दिसंबर को नई दिल्ली में बिहार उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम जंतर मंतर के पास स्थित NDMC कॉन्वोकेशन सेंटर में आयोजित हुआ। बता दें कि ये कार्यक्रम लेट्स इंस्पायर बिहार का हिस्सा है। इसके तहत उद्यमिता पर काम करने के लिए एक रोडमैप बनाने की कल्पना की गई। ये भविष्य के एजेंडे को निर्धारित करेगा। बता दें कि कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों के साथ कई पैनल चर्चाएं शामिल हुई जिसमें बिहार के उद्यमिता के विकास के लिए विजन और एजेंडे पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों का मानना है कि बिहार ने देश को बहुत कुछ दिया है लेकिन बिहार को पलटकर उसके हिस्से का कभी कोई वापस नहीं किया। बिहार का टैलेंट बिहार के ही काम नहीं आया, पर जब बिहार की खराब स्थिति की वजह से जब बिहार के बाहर किसी को बिहारी कहकर संबोधित किया जाता है तो उसे लगता है कि उसकी मनसा अच्छी नहीं है और उस सेवा में आए लोगों को भी बुरी लगती है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बिहार के IPS ऑफिसर विकास वैभव ने एक पहल की है। विकास वैभव फिलहाल बिहार सरकार के गृह विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं। उन्होंने लेट्स इंस्पायर बिहार की शुरुआत की। इस शुरुआत का मकसद है कि बिहार के बाहर बसे सभी सफल बिहारियों को एक मंच पर लाकर उनसे बिहार की तरक्की के लिए काम करवाना। उनका मानना है कि इतने सालों में बिहार के लोग पीछे हैं लेकिन अब वक्त आ चुका है कि सभी लोगों को एक साथ लाया जाए। लेट्स इंस्पायर बिहार बिहार के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए सभी को प्रेरित कर रहा है, विशेष रूप से जो युवा शक्ति है बिहार की, क्योंकि बिहार में एक दृष्टि थी, ऐसी दृष्टि थी जिस उस समय जब रोड्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी इस प्रकार की नहीं थी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे, तब ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए, अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर दिया जिसकी सीमा आज से बड़ी थी, विश्वविद्यालय स्थापित किए, वेदांत का दर्शन किया, बहुत सारी ऐसी चीजें जो प्रेरित करती हैं। लेकिन प्रेरित करते हम गौरवान्वित भी होते हैं, लेकिन जब चिंतन करते हैं तो हम देखते हैं दृष्टि बहुत अलग थी, बड़ी थी, हम छोटे छोटे वादों में ग्रसित नहीं थे, कुछ नया करना चाहते थे। उसी दृष्टि को आज रखने की जरूरत है, युवाओं के बीच प्रसारित करने की जरूरत है जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर संघर्षों में उलझे हैं। अगर यदि जो ऊर्जा हमारी है, असीम ऊर्जा, सही दिशा में लगने लगी, शिक्षा के विकास में लगी, समतामूलक समाज के निर्माण में लगी, सामाजिक कार्यों में लगी और उद्यमिता के विकास में लगी। वहीं इस कॉन्क्लेव में आए यंग एंटरप्रेन्योर मंजीत विशाल बताते हैं कि बिहार में अब सड़कें बन चुकी हैं, ट्रांसपोर्टेशन की वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कहते हैं मंजीत, जरा सुनिए। हम सब बात करते हैं हमेशा कि हम ये करेंगे जिंदगी में, वो करेंगे, हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम अपने स्टेट के लिए वापस क्या कर सकते हैं। विकास वैभव जी के नेतृत्व में ये पूरा कैंपेन स्टार्ट हुआ है लेट्स इंस्पायर बिहार, जहां हम ये देख रहे हैं कि जो बिहार का एक बहुत ही स्वर्णिम हेरिटेज रहा है, जो हिस्ट्री रहा है, हम उसको कैसे वापस से जीवित करें, किस तरीके से हम उसको वापस से जीवित करें, किस तरीके से लोगों को उसके साथ जोड़ें और हम सब मिलकर के बिहार के लिए वापस क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर में ये पूरा मुहिम है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो इस कॉन्क्लेव में बिहार को उसका गौरव वापस दिलाने के लिए एक कोशिश शुरू हो चुकी है और इसके सकारात्मक असर जल्दी ही दिखाई पड़ने की भी संभावना है। ये थी दिल्ली से मनीष चौरसिया की रिपोर्ट। आप देख रहे थे बिहार तक। बिहार तक आप देख रहे हैं बिल्कुल नए रूप, नए अंदाज में। तो बिहार तक का ये नया लुक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार तक।